दिल्ली में एक शाम हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार मरहूम राजेश खन्ना को समर्पित थी। मौका था एबीपी न्यूज के पत्रकार और लेखक यासिर उस्मान की किताब के लोकार्पण का। कुछ तो लोग कहेंगे इस शीर्षक से राजेश खन्ना की निजी जिंदगी के कई अनकहे पहलुओं को उकेरती किताब को लॉन्च किया पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने। राजेश खन्ना की जिंदगी को कोई शीशे में उतार सके वो लेखक भी राजेश खन्ना के बराबर कहीं होगा, तो इसलिए इस किताब को जब पढ़ेंगे देखेंगे और फिर अगर ऐसा लगेगा कि हाँ सचमुच राजेश खन्ना को तस्वीर में उतार लिया है, मैं समझता हूँ लेखक को भी हम उतना ही ऊंचा दर्जा देंगे जितना कभी राजेश खन्ना को मिला था जिंदगी में। यूं तो किताब एक ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन फिल्म निर्माताओं और कोस्टार से जुटाए गए तथ्यों पर यासिर ने किस्सा गोई की है। यासिर ने राजेश खन्ना की कामयाबी से पहले की जिंदगी को भी टटोलने की कोशिश की। राजेश खन्ना एक इंसान के तौर पर क्या थे ये बताती है, उनके रिश्ते जो काफ़ी बिगड़ भी गए, कुछ अच्छे रिश्ते थे कुछ बुरे रिश्ते थे, उनका बचपन कैसा था ये और उस बचपन ने उनकी आने वाली ज़िंदगी पर कितना प्रभाव डाला, कितना असर डाला, ये इसकी रिसर्च में सामने आया। और हमने 1.5 साल तक रिसर्च की, पुराने अखबार, पुरानी मैगजीन्स, पुराने लोग सबसे बात की, उनके फैंस से बात की कि जादू क्या था, क्या चक्कर था, ऐसा क्यों फिनोमेना था, तो वो सब सामने आया। बहुत दिलचस्प है, किसी नॉवल की तरह है। टीवी पत्रकार और लेखक यासिर उस्मान की किताब हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में लिखी गई है और जल्द ही इसका वर्जन भी पाठकों को उपलब्ध होगा। किताब में राजेश खन्ना की जिंदगी से जुड़ी कई दिलचस्प तस्वीरें भी संजोई गई हैं। गुजरे वक्त के कामयाब अदाकार राजेश खन्ना ने रोमानी अंदाज, कामयाब फिल्में और सहज अभिनय के दम पर करीब 15 साल तक बॉक्स ऑफिस पर राज किया था।